इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात करते हैं सजिन वाजे केस की। एंटिलिया मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस केस की हर एक कड़ी मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वाजे पे जुड़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए अब सचिन वाजे पर एनआईए का शिकंजा और कस गया है। शुक्रवार देर रात एनआईए की टीम ने सचिन वाजे को एंटिलिया के बाहर ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और साजिश की, एक एक परत को खंगालने की कोशिश की। सीसीटीवी में दिख रहे इस शख्स की चाल ढाल को गौर से देखी और अब इसको सचिन वाजे के मूवमेंट से मिलान कीजिए। क्या ये दोनों शख्स एक हैं? एंटिलिया केस की जांच कर रही एनआईए के सामने इस वक्त यही सबसे बड़ा सवाल है। सीसीटीवी में दिख रहा शख्स सचिन वाजे ही है, ये दावा कितना पक्का है? इसकी जांच करने के लिए एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर एंटिलिया के बाहर उसी जगह पहुंची जहां इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। एंटिलिया के बाहर एनआईए ने ठीक वैसा ही सीन तैयार किया जैसा सीसीटीवी में दिखा था। एक डमी स्कॉर्पियो और इनोवा को भी मौके पर लाया गया। इस दौरान आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि मीडिया और आम लोगों को आने से रोका जा सके। सीएफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद थी। सचिन वाजे को ठीक उसी तरह का कुर्ता पहनाया गया है, सर पे रुमाल बांधा गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर देख सकते हैं सचिन वाजे को किस तरह से सफ़ेद कुर्ता पहनाया गया है। और अब एनआईए की टीम उनको लेकर घटनास्थल की तरफ जा रही है। उनके सिर पर देखिए रुमाल बांधा गया है। कैमरामैन जो है सीएफएसएल पुणे से जो आए हुए हैं वो फॉरेंसिक टीम के, वो बाकायदा हर एक चीज़ पर, आप देखिए यहीं पर सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुए थे सचिन वाजे चलते हुए, और सचिन वाजे को चलाकर लेकर आगे जाया जा रहा है, और ताकि हर एक चीज को समझा जाए कि किस तरह से उनकी चाल ढाल थी, किस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था, उस चीज को समझने के लिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। जो ये सीसीटीवी कैमरा यहां पर लगा हुआ है, इसी सीसीटीवी कैमरे में वो तस्वीरें कैप्चर हुई थी जो बाद में सामने आई कि किस तरह से जो है एक शख्स चलता हुआ नजर आता है। बाद में उसकी पहचान एपीआई सचिन वाजे के तौर पर की गई। एनआईए की टीम ने सचिन वाजे को सफेद कुर्ता पहनाकर चलवाया। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स पीपीई किट पहने दिखाई दिया था। माना जा रहा है कि यह ढीला कुर्ता था, इसलिए वाजे को ढीला कुर्ता पहनाया गया। वाजे के सिर पर कपड़ा भी बांधा गया। एनआईए के सामने ये साबित करना बड़ी चुनौती है कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स सचिन वाजे ही है। इसीलिए क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद एनआईए फॉरेंसिक ह्यूमन एनालिसिस कर सकता है, जिसके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि सीसीटीवी में कैद शख्स सचिन वाजे है या नहीं। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों को पता होता है कि संदिग्ध चलने में एक्टिंग करके गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। एनआईए की टीम ने क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए सचिन वाजे के एक एक कदम को रिकॉर्ड किया और इसके लिए बाकायदा रोड पर मार्किंग भी की गई, जिससे ये क्लियर हो सके कि पूरी वारदात को किस तरह से और कितने वक्त में अंजाम दिया गया। यहाँ पर एंडिंग लिखा गया है, ये जो रोड का पोर्शन यहाँ पर एंडिंग, यहाँ पर आने के बाद यानी कि सचिन वाजे यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं 3 मीटर। आप देखिए यहाँ पर ये 3 मीटर यानी कि यहाँ से वहाँ की जो स्थिति है, यहाँ से वहाँ तक की जो स्थिति है वो डिस्टेंस है, वो 3 मीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पर बाकायदा एक निशान बनाया गया है। उसके बाद देखिए ये कदम कितना बड़ा कदम होता है, कैसे एक शख्स अगर चलता है तो उसके कदम का दायरा कितना होता है। आदमी का पहला कदम यहाँ पड़ता है तो दूसरा कदम यहाँ पड़ता है। आपको उसके आगे भी दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ से ये दूसरा कदम 37 है ना, देखिए यहाँ पर ये 37
37, मतलब कितनी चाल, कितने कदम सचिन वजे चले थे इस पूरी कॉन्स्पिरेंसी को अंजाम देने के लिए। आपको नीचे तस्वीरें दिखाते हुए चलते हैं, देखिए यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाते हुए चलते हैं किस तरह से सचिन वजे कितने कदम चले थे और किस तरह से इस पूरी कॉन्स्पिरेंसी को अंजाम दिया था। देखिए यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, बाकायदा उसको समझाया गया कि 7.7 मीटर का ये डिस्टेंस है। और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर ये 10.8 मीटर का दायरा है और उसके बाद में यहाँ से वहाँ पर देखिए यहाँ पर आकर सचिन वजे रुके थे। इस केस में अहम बात यह भी है कि अब तक की जांच के मुताबिक सचिन वाजे इस केस का मास्टरमाइंड नहीं दिख रहा है बल्कि साजिश का एक हिस्सा लग रहा है। इसलिए एनआईए के सामने सबसे बड़ा चैलेंज सचिन वाजे से मास्टरमाइंड के नाम को उगलवाना है। राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।